उड़ीसा का भविष्य, और मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का ग्रोथ है ईस्टर्न इंडिया में, वो उड़ीसा में बीजेपी का बहुत बड़ा एक संगठन भी बनेगा, सरकार भी बनेगा, सब कुछ हो जाएगा। समय का बातें है, सब कुछ हो जाएगा। मेरा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि सरकार जिसका भी हो, जैसे भी हो, भारत में प्रभु श्री राम श्री कृष्ण जगन्नाथ का जय जयकार होना चाहिए, और हम उस दृष्टि से उसको नहीं देखता हूँ। जगन्नाथ का जय उड़ीसा में होगा, पूरा देश विदेश में होना चाहिए। श्री राम का भी जय जयकार देश विदेश में होना चाहिए, और मैं उनको कोई, मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई कंपटीशन चल रहा है। अगर मुझको न्योता तो नहीं देते हैं, और देना भी नहीं चाहिए। कहाँ असम का सीएम उड़ीसा का कोई अनुष्ठान में आएगा। लेकिन देखिए, मेरा एएम है, मैं पूरी हर 2-3 महीना में आते ही रहता हूँ, एक बार देख के जाऊँगा। उसमें क्या, देखिए अभी आप बोलने से मैं बोलूँगा आऊँगा तब न्योता आ जाएगा ना, न्योता मन से आना चाहिए। देखिए उड़ीसा में परिवर्तन होना चाहिए। उड़ीसा का जनता को मैं निवेदन करूंगा कि उड़ीसा मोदी जी का साथ आना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा, काम होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। देखिए कांग्रेस को विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था अपना पाप कम करने के लिए, उन्होंने वो मौका नहीं लिया, तो आप और कैसे मदद कर सकते हैं कांग्रेस को? आप अगर रामलला का आपने अपोज किया, एक इकोसिस्टम खड़ा किया पूरा देश में कि राम मंदिर ना बने, फिर भी आपको मंदिर में बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। आपने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया, आपका मन नहीं है कि आपका पाप कम होना चाहिए, और उल्टा आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब जाके अफगानिस्तान में बाबर टम का दर्शन करके भी आया है, तो उन लोग का बाबर से प्यार है, राम से कोई आस्था नहीं है, तो बुलाना ही गलत था, मैं मानता हूँ। किसलिए? आप उनको ही बुलाना चाहिए जिसका मन में प्रभु श्री राम का ऊपर आस्था है। राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या मानते हैं क्या नहीं मानते है, कोई नहीं जानते है। और आज अगर बाबर और राम दोनों को खड़ा कर रहे सामने, ये गांधी परिवार तो पहले बाबर को प्रणाम करेगा। तो इसीलिए मेरा लगता है नहीं किया तो शांति हुआ है, वो रहने से अनुष्ठान खराब हो जाता था।